वेलकम टू ग्रास केमिस्ट्री। आई एम नेहा त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे इथेन मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन मीन्स क्या होता है? कन्फर्मेशन यानी एक अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की कि वो स्पेस में कैसे प्रेजेंट होता है, और जो कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग होता है उनमें जो रोटेशन होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। अब हमें देखना है कि कन्फर्मेशन मीन्स क्या होता है। सो कन्फर्मेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ स्पेस अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, वहां पर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है स्पेस में, ये हमें कन्फर्मेशन से उसके पता चलता है। कन्फर्मेशन यानी उसकी अरेंजमेंट कैसी है, दैट इज कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल हमें देखना है, जो कि टू टाइप का होता है। एक होता है स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन आर टू टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन, और जिसमें हमें दो फिर से डिफरेंट टाइप्स दिए हैं। एक सोहर प्रोजेक्शन है और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन यानी क्या होता है? एक्चुअली ये अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की जिससे हम पहचान सकते हैं कि जैसे दो कार्बन प्रेजेंट है तो वो साइड व्यू से कैसे दिखेंगे, अगर हम उसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देंगे, ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। सो मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इथेन का मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सोहर्स प्रोजेक्शन में, ठीक है, ये स्टैगर्ड टाइप का है, ये इक्लिप्स टाइप का है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स टाइप में होता क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में, ये स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या दिखाया है, ये एक रेड कलर का कार्बन है, एक येलो कलर का कार्बन है, और बाकी ये जो व्हाइट कलर के मैंने शो किए हैं यहाँ पर एटम्स, ये किसके हैं, हाइड्रोजन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। देखो दो कार्बन है, एक रेड कलर से मैंने शो किया, एक येलो कलर से शो किया, और सिक्स हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैंने सिक्स हाइड्रोजन व्हाइट कलर के शो किए हैं। अब देखो इसकी अरेंजमेंट, यानी ये दो कार्बन के बीच में, ये क्या है, दो कार्बन के बीच में यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, और इनके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है ये हमें देखना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको जो भी बताया था कि ये 360 में रोटेट करता है, मतलब ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कंप्लीट 360 पे इसका रोटेशन होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसका स्टैगर्ड और इक्लिप्स कैसे होगा। स्टैगर्ड पोजीशन अगर हमें देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइड व्यू आपको दिया गया है, कार्बन कार्बन ऐसे दोनों साइड व्यू में प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऊपर है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है ये वाला, ये स्टैगर्ड, ये ऐसा है, मतलब दो हाइड्रोजन ऊपर है एक कार्बन के, एक कार्बन का एक ही हाइड्रोजन ऊपर है, दो हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पर अपोजिट कंडीशन है, यहाँ दो हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है, यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर है दो नीचे है, तो यहाँ पर भी सेम। आपको ये इमेजिन करना है इसका 3D व्यू। सिमिलरली इक्लिप्स में, इक्लिप्स में क्या होता है, दोनों पोजीशन सेम होगी, कैसे, एक तो दो हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन ऊपर हो गए, एक हाइड्रोजन नीचे है तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन नीचे, या फिर मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर, दो हाइड्रोजन नीचे यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन नीचे, मतलब इक्लिप्स में एक कार्बन और उसका सेकेंड कार्बन, ये दोनों की पोजिशन जो है वो एटम्स की वो सेम होती है इक्लिप्स में, और स्टैगर्ड में अपोजिट होती है, एक ऊपर है तो यहाँ पर दो ऊपर रहेंगे, इस टाइप का कंफर्मेशन होता है इक्लिप्स ऑफ स्टैगर्ड। तो ये जो प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर देखे हैं दिस इज सोहर्स टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। सेकेंड हमें जो देखने हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में क्या है, देखो सोहर्स प्रोजेक्शन में हमने ऐसे साइड व्यू देखा था, इसका साइड व्यू देखा, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में हमें इसका फ्रंट व्यू से देखना है। अब फ्रंट व्यू से मतलब यही मॉलिक्यूल को आपको फ्रंट व्यू से देखना है। देखो आप यही मॉलिक्यूल को फ्रंट व्यू से जब देखोगे तो आपको एक कार्बन के पीछे ये दूसरा कार्बन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रेड कार्बन के पीछे ये येलो कलर का कार्बन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और देखो यहाँ पर मैं आपको ये फर्स्ट स्टैगर्ड बताती हूँ। स्टैगर्ड में क्या होता है, देखो एक कार्बन है जिसके पीछे दूसरा कार्बन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऊपर है, नेक्स्ट वाला ये जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन ऊपर है, तो क्या होता है, ये एग्जैक्ट ये कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए स्ट्रक्चर में देखो ये जो फ्रंट, ये सर्कल शो किया है, ये फ्रंट कार्बन है जो कि मैंने ब्लैक कलर से शो किया, और उसके पास तीन हाइड्रोजन है,
और एक हाइड्रोजन ऊपर, दो हाइड्रोजन नीचे। तो देखो ये येलो वाला जो है ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है, और दो हाइड्रोजन नीचे है। नेक्स्ट ये रेड कलर से जो मैंने शो किए, ये हाइड्रोजन यानी इसके पीछे का जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा, ये बाकी के तीन हाइड्रोजन उसके अपोजिट पोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इस तरीके से ये अरेंजमेंट रहेगी। आपको सिर्फ फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर ये एक कार्बन है, उसके एग्जैक्ट पीछे ये वाला कार्बन है, बट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम दी फ्रंट साइड। आपको फ्रंट साइड से देख रहे हैं सिर्फ, आपको बैक साइड वाला जो कार्बन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये फ्रंट साइड के तीन हाइड्रोजन, जिसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है दो नीचे है, लाइक शोन इन दिस डायग्राम, ठीक है, एक हाइड्रोजन दो नीचे, और ये जो रेड कलर का है इसमें दो हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है। और आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको ये ऐसी डायग्राम अपियर होगी, ऐसी दिखाई देगी ये डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्लिप्स जो है, इक्लिप्स में क्या होता है, सेम होता है, अगर फ्रंट कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर है तो ये जो बैक कार्बन है उसका भी एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसके पीछे, ये कार्बन एग्जैक्ट इसके पीछे, ये हाइड्रोजन एग्जैक्ट इसके पीछे, ये हाइड्रोजन एग्जैक्ट इसके पीछे। तो इस तरीके से अगर आप फ्रंट व्यू इसका देखते हो तो आपको एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक कार्बन और ये तीन हाइड्रोजन एग्जैक्ट उसके पीछे ये रेड कलर वाले तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंफर्मेशन होता है। अगर आप इसे साइड व्यू से देखते हो तो आपको सोहर्स प्रोजेक्शन मिलता है, अगर आप फ्रंट व्यू से इसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको मिलेगा ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो ये होता है कंफर्मेशन, यानी जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट कैसे है। जैसे आपने देखा अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक के पीछे एक एग्जैक्ट ओवरलैप हो रहे हैं, तो वैसे ही अगर मैं इसका रोटेशन इसका करती हूँ तो रोटेशन से देखो ये हमें मिल गया स्टैगर्ड पोजिशन, ये हो गया इक्लिप्स्ड, अगेन ये हो गया स्टैगर्ड पोजिशन, अगेन ये हो गया इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट प्रोजेक्शंस यहाँ पर मिलते हैं। तो ये टोटल इसका एक रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री से होता है। तो ये कंफर्मेशन ऑफ इथेन हमने देखा आज। थैंक यू।